बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी, हमारी जो मैट हैं वो नहीं आई हैं, उनको मतलब तबीयत ख़राब है। उनकी बेटी ने बताया है कि उनको मतलब अटैक हुआ है, उनको दिल की प्रॉब्लम है, मसला है क्या है। खैर वो नहीं आई है, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, हम काम कर लेते हैं जल्दी से। मैंने फिर कमरे की झाड़ू लगाना शुरू कर दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखें कचरा, आप लोग सुनाएं आप लोग सब कैसे जी। आपने नौ नौ कर लिया जी? और जी बस आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। ये वाइपर ना मेरी बेटी खेलती है इससे, ये यहाँ ला के रख देती है, इसको अंदर रखते हैं बाद में। जी बोलिए, जी बोलिए जी बोलिए। ऊपर से भी डालता हूँ, ऊपर से भी। अच्छा हटो हटो, कचरे में से हटो, कचरे में से हटिए, हट जाइए, जल्दी हट जाइए। अभी आपने नहाए नहाओ किया है ना, जल्दी से हट जाइए, वरना आपके कपड़े छपड़े सब गंदे हो जाएंगे, डस्ट डस्ट हो जाएगा। जल्दी से ऊपर चढ़ जाइए, शाबाश शाबाश। अच्छा जी, हमने नहा लिया है, शावर भी कर लिया है, अब बारी है नमाज़ पढ़ने की। लेकिन उससे पहले हम काटते हैं अपने नेल, और आप देख सकते हैं मेरे नेल कौन कट कर रहा है, कौन कट कर रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी दांत। ये देखिए मेरी काबिल औलाद, ये बैठी है, कहती है मम्मा क्या बोल रही थी आप, बोलिए रबिया। आप काटेंगी, मुझे नहीं कटते हो, चलो ठीक है। बड़ा शौक है बच्ची को सीजर से खेलने का, you know, ये डेंजर होता है, बस मैं इसलिए नहीं देती हूँ, बस बच्चों को इन चीज़ों की आदत नहीं होनी चाहिए। बट माशाल्लाह देखें बच्ची कट कर रही है, माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। अरे बाप रे बाप, बताइए अब मम्मा बेबी के नाखून काटती है, आज बेबी मम्मा के नाखून काट रही है। आप ही काटती हूँ मैं नाखून बेबी के, आप ही काटती हूँ मेरे नाखून, अब मैंने झाड़ू लगाने के बाद शावर लिया था, नहा लिया था, और नहाने के बाद अभी मैंने दो तीन नमाज़ पढ़ ली है, और अब मैं ये सूरह रहमान पढ़ रही हूँ, और इंशाल्लाह जो है जिल्ला अबू के लिए अपने साले सवाब करूँगी। मैं हर नमाज के बाद लाजमी कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ, और अब्बू को सारे सवाब करती हूँ। अभी ना हमारे हाथ में एक हाथ पे मोबाइल है, और एक हाथ से हम दाल घोट रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा क्लिप बना के दिखा दूँ मैं। तो अभी जब मैं ये दाल सही से घोट लूँगी, क्योंकि आपको पता है दाल घोटने में दो हाथ लगते हैं, फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए एवरीवन, अभी जो है मैं फटाफट से बघाड़ तैयार कर लिया है, इसके लिए ऑयल की ज़रूरत थी, मैंने पैकेट में से ऑयल निकाला है, इसमें से जल्दी से अब मैं इसमें बाल्टी में ऑयल करती हूँ। यहाँ मेरी दाल पक रही है, ये देखें मिक्स दाल, इसकी रेसिपी मैं एक बार और शेयर कर देती हूँ आपके साथ। इसमें है मूंग की दाल, माछ की दाल, चने की दाल, और मूंग की दाल, माछ की दाल, चने की दाल और मसूर की दाल। उसके अलावा इसके अंदर हरहर की दाल भी डलती है, वो मेरे पास नहीं थी,
इसलिए मैंने ऐड नहीं करी। ये चार मिक्स दालें हैं, भगारे, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, गोल मिर्च, प्याज। जब तक के दाल में मज़ा पक रहा है, हम फटाफट से ऑयल को कार्टन में डाल लेते हैं। एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये हमारे यहाँ नाप डला हुआ है, इसके अंदर ये नाप है, बगार में ये एक पली डलेगी, इसको पली बोलते हैं। देखिए ठीक है, एक गलती हो गई, इसमें डालना था तेल। चलिए इसको देखते हैं बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, मेरी रबिया सो रही है तो मैं जल्दी जल्दी दाल तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ स्कूल से आ चुकी हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं, फिर वो खाना खाएंगी। रोटी मैंने सुबह बना ली थी। दाल रेडी है, बगार भी रेडी है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, प्याज, कड़ी पत्ता।